कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। आपके गणित विषय में जो पहला अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं। पिछली कक्षाओं में मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा चुका हूं। बस ऐसा समझिए कि जो भी संख्याएं आज तक आपने पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक हों, परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय हों, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में रियल नंबर के ऊपर कुछ एल्गोरिथम हैं, यूक्लिड के एल्गोरिथम हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है यूक्लिड के मेथड से, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले ही पन्ने पे लिख लिया है। आप देखिए, सबसे पहले जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है उसको समझाने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने किसी नंबर ए से बी को डिवाइड किया और सपोज मुझे सी भागफल मिला और डी शेषफल मिला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जिसको मैंने डिवाइड किया है बी को, अगर मैं उस बी का मान चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बी को लिख सकता हूँ ए गुणा सी प्लस डी। ठीक है, एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने 3 से 16 को भाग दिया तो 3 पंजे 15, 5 बार तो पहाड़ा पड़ा गया और एक बच गया शेष। तो अब मैं वापस से 16 प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं 3 का गुणा 5 में करूँगा, 3 पंजे 15 और 1 16। देखिए, अगर हम जिससे हमने भाग दिया है वो और भागफल का गुणा करके और शेषफल को जोड़ते हैं तो हमें जिसको हमने भाग दिया है यानी भाज्य मिल जाता है। ठीक है, तो 16 को मैं ये लिख सकता हूँ 16 बराबर 3 गुणा 5 प्लस 1। तो ये जो एक रूप मैंने लिखा है इसका 16 का, यही एक यूक्लिड फॉर्म है। ठीक है, यूक्लिड का जो रूल है अब मैं उसे समझिए। आप देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कह रही है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर भी विद्यमान होती हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर होता है शेषफल वो जीरो और बी के बीच होता है या जीरो के बराबर होता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ जो शेषफल आया है हमारा वो एक है। ठीक है, और ये एक जो है वो जीरो और तीन के मध्य का आएगा। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा शेषफल आएगा तो आप तो 3 फिर एक पहाड़ा और पढ़ दोगे ना, मान लो यहाँ पे 4 आ गया तो फिर तो आप इस पे पहाड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार और पहाड़ा पढ़ा जाता तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग हमको क्या करना है, तो मोस्टली जो प्रयोग करना है इसका हमें एचसीएफ निकालने के लिए करना है। देखिए, 41-52 और 12-576 का एलसीएफ हम यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बड़ा है 12576, तो आप 12576 को ले लेंगे और उसको छोटे के पदों में तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी 40-52 से इसे बांटना शुरू करेंगे। तो जब 40-52 से आपने इसको बांटा तो ये 3 बार बट जाएगा और 420 बचेगा शेष। फिर अब इस 420 शेष से 40-52 को आप बांटेंगे, तो 40-52 को आप 420 से बांटेंगे तो 9 बार बट जाएगा और 272 बचेगा शेष। फिर इस 272 से 420 को बांटेंगे, तो 420 को 272 से बांटेंगे तो एक बार पहाड़ा पड़ जाएगा तो एक बार बट जाएगा और 148 बचेगा शेष। अब इस 148 से आप 272 को बांटेंगे तो 148 से 272 को बांटा तो 148 एकम 148 और 124 बच जाएगा शेष। फिर 124 से 148 को बांटा एक बार तो 24 शेष बचा। फिर 24 से 124 को बांटा तो 24 पंजे 120 बार चल 120 आकर के 4 शेष बचा। अब इस 4 से जब 24 को आप बांटेंगे तो आपके पास 0 शेष आ गया। तो जिसके बांटने पर 0 शेष आ जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यानी यहाँ पर 12576 और 40-52 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 4। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो को सुनना, समझ आ जाएगा। या दूसरी आप इस तरह ना लिख के, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 40-52 को 44-52 से 12576 को भाग दें। जब आप इसको 12576 को भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार गया तो ये आ गया आपके पास 12156। जब माइनस किया तो 420 आया। अब इस शेषफल से इस
भाजक को भाग देंगे। तो 420 से 4052 को भाग दिया तो ये आपका 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार गया तो बचा 272, 272 से 420 को भाग दिया एक बार गया तो बचा 148, 148 से फिर 272 को भाग दिया तो एक बार गया तो 124 बचा, 124 से 148 को भाग दिया तो 124 बचा, 24 से फिर 124 को, यानी जो शेषफल आता जा रहा है उससे भाजक को आप भाग देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया जीरो, जहाँ जिसने जीरो बना दिया वही आपका HCF हो गया। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगली जो बात है वो एक्सरसाइज जो इसकी 1.1 है, वो जब हम कभी आमने सामने होंगे तब मैं उसको समझाऊंगा, वो थोड़ी सी समझने लायक है ज़्यादा। तो मैं सीधे 1.2 पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में देखिए, आपको पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये काम बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं। 140 मैंने लिया है यहाँ पे, पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 35 बार गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 बार, और 7 से डिवाइड किया तो 1 बार। तो यहाँ से 140 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 × 2 × 5 × 7 बन जाएंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर हैं यानी अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने 5005 का किया है, 5 से डिवाइड किया तो 1001 आया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 143 आया, 143 को 143 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। 143 को 143 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 143, ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले इसने लिया 2691, तो मैंने पहले 2691 का निकाला एलसीएम। एलसीएम निकालना आपको आता है, पिछली कक्षाओं में आपने किया है। 2691 का 2 से डिवाइड किया 13, 91 काटा नहीं तो ऐसे ही रख दिया, 7 से काटा तो 13 काटा नहीं, 13 सत्ते 91 होता है, 13 से दोनों को काट दिया तो यहाँ से आपके पास एलसीएम बना 182। इसी तरह से जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 91 बड़ा है 26 से, तो आप 26 से 91 को भाग देंगे, 3 बार गया 13 बचा, 13 से 26 को भाग दिया 2 बार में ही, तो देखिए 13 ने इसको 0 बना दिया शेषफल को, तो यहाँ से एचसीएफ बन गया 13। अब संख्याओं का गुणनफल किया आपने तो 26 × 91 23.66 आया, और एलसीएम गुना एचसीएफ किया 182 × 13 ये भी 23.66 आया। इसका मतलब ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है।